वेलकम टू फैक्ट्रोपीडिया। फैक्ट्रोपीडिया के इस अमेजिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने देश के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसकी आर्मी पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर आती है। इंडिया के ये फैक्ट तो आपने काफ़ी सुने होंगे, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। आज की वीडियो में हम इंडिया के कुछ ऐसे अचीवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें सुन के आपके दिमाग में बस एक ही वर्ड आएगा, अमेजिंग। और आप भी गर्व से बोल पाएंगे आई लव माई इंडिया। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर वन, ब्रह्मांड के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत से देश लगे हुए हैं, जो तरह तरह के सैटेलाइट रिसर्च करने के लिए स्पेस में लॉन्च करते हैं। इंडिया भी इनमें पीछे नहीं है। इंडिया पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में एंट्री किया था, जो एक कमाल की बात है। इंडिया के इस मिशन को मंगलयान का नाम दिया गया था। मंगलयान की सफलता के बाद इंडिया ने ना जाने कितने सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए। चंद्रयान 2 का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये एक सफल लॉन्च था जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। इस मिशन में लूनर ऑर्बिट और विक्रम लैंडर का यूज किया गया था, जिसे कम्प्लीटली इंडिया में ही बनाया गया था। है ना एक कमाल की बात है। इंडिया भी अब किसी से कम नहीं है। नंबर टू, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना एक देश के लिए सम्मान की बात होती है, और लोग भी अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। असम की हिमा दास भी इसी का एक उदाहरण है, जिन्हें धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा दास भारत की ऐसी बेटी है जिन्होंने 19 दिन में 5 गोल्ड जीते थे। 19 साल की हिमा ने वो करके दिखा दिया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हिमा एक एथलीट है जिन्होंने 400 मीटर और 200 मीटर रनिंग में गोल्ड जीता हुआ है। देश के लिए गोल्ड जीतना उनका एक सपना था, जिसे उन्होंने सिर्फ 19 साल में ही पूरा कर दिया। नंबर थ्री, स्पेस और एथलीट के साथ साथ टैलेंट में भी हमारा देश पीछे नहीं है। वर्ल्ड ऑफ डांस एक इंटरनेशनल डांस रियलिटी शो है, जिसके 2019 के विनर्स हम इंडियंस ही हैं। 14 लोगों के इस क्रू ने वर्ल्ड ऑफ डांस के स्टेज पे धमाल मचा दिया। इंडियन डांस क्रू द किंग्स ने प्राइज में $1 बिलियन जीते, जो एक कमाल की बात है। नंबर फोर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बना यह स्टैचू 600 फीट लंबा है, जो हमारे देश के सम्मान में 4 चांद लगा देता है। 33 मंथ में बने इस स्टैचू में लगभग 3,000 करोड़ का खर्चा आया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। नंबर फाइव, यूट्यूब तो आप सभी ने सुना होगा। हाँ, वही जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। YouTube का सबसे बड़ा चैनल एक इंडियन चैनल है, जिसका नाम टी सीरीज़ है। टी सीरीज़ पे आज की डेट में लगभग 117 बिलियन सब्सक्राइबर है। टी सीरीज़ एक म्यूजिक रिकॉर्ड एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, जिसे गुलशन कुमार ने बनाया था। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि टी सीरीज़ पे एक दिन में 8.5 मिलियन व्यूज़ आते हैं। हमारा देश इसमें भी आ गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके मुझे बताएं। और कौन सा अचीवमेंट आपका फेवरेट है, ये भी मेंशन करें। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।